हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंदन भाई ब्लॉग। और जा रहे हैं हम रहे वहाँ का एक अच्छा सा प्लेस है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और मेरा एक फ्रेंड है। सो गाइस, यहाँ से हम लोग और भी अच्छा जगह जाने वाले हैं। अभी हमरेड में बहुत ही अच्छा और जगह है और आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और लग रहे हैं इस वीडियो में, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और चलते हैं आप लोग को लेके। हेलो गाइस, एंट्री तो मिला लेकिन अंदर घुसने का परमिशन नहीं मिला, जो कोरोना वायरस की वजह से अगस्त तक खुलेगा, जो अभी बंद पड़ा है, जो हम लोग को पता नहीं था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा रहे हैं, जो इसका नाम है व्यू पॉइंट। आप लोगों को उस जगह का नज़ारा दिखाएंगे। तो यहाँ एंड करते हैं। देख सकते हैं हामरेंग का व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है, जो हम लोग हामरेंग से कुछ ही दूर पर जो पहाड़ से होते हुए ऊपर आए हैं। जो पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बनाया हुआ है, जो बैठने का भी सुविधा दिया हुआ है। जो हम लोग एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं, जो यहाँ का प्लेस बहुत ही अच्छा था जो हम लोग को पता चला, तो यहाँ पे आए एक ब्लॉग शूट करने के लिए। और सोयली पे है, सोयली बोलते हैं वेस्ट कंट्री में हमरेंग का। ओल्ड मार्केट एक है, न्यू मार्केट एक है। ओल्ड मार्केट बीच में सोयली बोलते हैं, सोयली पॉइंट से आपको सर्फेस ऑफ पॉइंट है।
और दस सर्किस हाउस है, मतलब कि इधर घर है जहाँ पे वीआईपी आदमी लोग जहाँ से बाहर से आ रहे हैं तो वहाँ पे रुकते हैं। और इसी पॉइंट से मतलब आपको पूरा हमरेन दिखाई देगा, देख सकते हैं इधर का हिल्स का व्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। तो मैं ये बोलूँगा अगर कोई कभी भी हमरेन विजिट करते तो इस जगह को विजिट कीजिए और यहाँ का हमरेन का फुल मज़ा ले सकते हैं आप लोग, यहाँ का फुल मज़ा। और ये दोस्त आया था तो वो बनता था मुझे यहाँ हमरेन का पूरा व्यू दिखाने का, तो इसीलिए मैं इस जगह को चूज़ किया और उनको दिखाया। तो भाई कैसा लगा आगे? बहुत ही बढ़िया लगा। तो आई होप सो इनको बढ़िया लगा तो आप लोग को भी बढ़िया लगेंगे। अगर हमरेन कभी भी विजिट करते हो तो इस जगह को विजिट करना। और पिकनिक के लिए आते हो तो हैंगिंग ब्रिज, वो पहले मैं उनको दिखा चुका पहले वीडियो में हैंगिंग ब्रिज, तो वह भी आ सकते हो। और काफ़ी जगह है, अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, जैसे कि वो म्यूजियम गए थे वहाँ पे क्लोज पड़ा क्योंकि लॉकडाउन, नेक्स्ट मंथ खुल जाएगा बोला, तो नेक्स्ट मंथ खुलने से वो भैया कभी आएंगे तो मैं उनको खेल ले जाऊँगा वहाँ पे। और वहाँ का क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाएंगे हम आप लोग को। तो भाई एंड कर दे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं। अगर वीडियो को पसंद आया प्लीज डू लाइक शेयर, एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल इन दिस चैनल इस चैनल, अगर आप न्यू हो नया हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, ताकि कभी भी भैया जब नया वीडियो आप लोग को डालेंगे यूट्यूब पे आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाएंगे। तो इस तब तक के लिए फिर मिलेंगे नया जगह नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। जय हिंद जय भारत जय भारत।